नमस्कार दोस्तों, राजस्थान मौसम विभाग की ताज़ा खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको मौसम विभाग की सही और सटीक जानकारी हम टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। दोस्तों, आप राजस्थान के किस कस्बे, जिले, गांव और शहर से बिलोंग कर रहे हो, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर अवश्य बताएँ, ताकि हमको पता चले हमारी वीडियो राजस्थान के किस किस इलाके तक पहुँच रही है। राजस्थान में एक बार फिर पारा ऊपर जाने वाला है। धूल भरी आंधी, तेज हवाओं के साथ लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटे में राज्य में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। पश्चिमी राजस्थान के ऊपर दबाव क्षेत्र बनने के कारण जोधपुर व बीकानेर संभाग के जिलों में अगले 3 से 4 दिन 30 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। वहीं दोस्तों, इन हवाओं की बात करें तो इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम बताई जा रही है और दोस्तों इसके कारण आसमान में धूल भी छाई रहेगी। भारतीय मौसम विभाग IMD ने आज और कल भरतपुर, धौलपुर, झुंझुनू, सीकर, चूरू, हनुमानगढ़ व गंगानगर जिलों में गर्म हवाएं व लू चलने की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र ने कहा है कि आगामी 3 से 4 दिन तक राज्य के ज़्यादातर भागों में बारिश की संभावना नहीं है। हालांकि उदयपुर व कोटा संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर आपको छुटपुट बारिश अवश्य देखने को मिल सकती है। उदयपुर के आसपास इलाकों में बीते 24 घंटों में कई जगहों पर बूंदाबांदी भी हुई है। वहीं दोस्तों, अगर बात करते हैं हम डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर के कुछ हिस्से की, तो यहां पर आगामी 24 घंटों में आपको कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश अवश्य देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों, यहां पर तेज तूफान आंधी के साथ कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी संभावना है। आगे दोस्तों बात करते हैं हम कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों की। यहाँ की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी, लेकिन इन बादलों से बारिश की आशंका नहीं की जा सकती है। इसके बाद अब हम बात करते हैं जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जालौर और नागौर जिलों की। यहाँ पर भी दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान जताया जा रहा है, यानी कि आगामी 2 से 3 दिन तक बिल्कुल मौसम साफ रहने का अनुमान है। यहाँ पर दोस्तों आंधी तूफान चलने की ज़्यादा प्रबल संभावना है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू, झुंझुनू जिलों की। यहाँ की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर भी तेज आंधी तूफान चलने की प्रबल संभावना है और दोस्तों मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान जताया जा रहा है। इसके बाद अब हम बात करते हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, जयपुर, टोंक, सवाईमाधोपुर जिलों की। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ स्थानों पर आपको बादलों की आवाजाही अवश्य दिखेगी, लेकिन इन बादलों से आपको बारिश की आशा नहीं की जा सकती है। आगे बात करते हैं हम अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, इन जिलों की बात करें तो यहाँ पर भी मौसम बिल्कुल साफ रहने का अनुमान है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर भी तेज आंधी और तूफान चलने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं अगर मानसून की बात करें तो भारत में मानसून ने दस्तक दे दी है। आगामी कुछ ही दिनों में राजस्थान में मानसून आने वाले हैं, जिसके कारण राजस्थान में आगामी कुछ ही दिनों में आपको अच्छी खासी बारिश देखने को मिल सकती है, जो कि समस्त किसान भाइयों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। आगे यदि राजस्थान के मौसम में कोई नया बदलाव आता है तो सबसे पहले आपको इसी चैनल के माध्यम से सही और सटीक जानकारी अपडेट करा दी जाएगी।